अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब भाई। आज हम मौजूद हैं लांडी चार नंबर पे। यहाँ पे मैं चेक करने आया हूँ कि 14 अगस्त लोग अब सिर्फ रस्मन मना रहे हैं कि या वाकई में आज़ादी की खुशी में मनाते हैं। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या फ़र्क आया है चीज़ों में, लोगों की खुशी में क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, तो लोगों से आज आपकी बात कराते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं। बचपन को अगर आप देखते हैं और आजकल के बच्चों के बचपन को देखते हैं तो 14 अगस्त में क्या फर्क आया है? 14 अगस्त में तो बहुत फर्क आ गया है। पहले इतनी जोश खरोश नहीं होती थी जो अब होने लगी। हाँ जी, पहले हम किस तरीके से मनाया करते थे? पहले तो पता ही नहीं होता था हम लोगों को, इतना बस बैजेस लग गए, ये सब पहन लिया। आप तो देखे, आपको खुद अंदाजा हो गया होगा, मार्केट देखे कितनी जोश खरोश है बच्चों में अब के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको किसी भी घर के बाहर झंडे या झंडियां लगी हुई नजर आई हैं पहले की तरह? नहीं, ऊपर लगते छत के सिर्फ झंडे, झंडियां तो कोई भी नहीं पूछता। झंडियां गायब हो गई हैं, गायब हो गई हैं। अब प्लास्टिक के चलती हैं, वो भी सिर्फ स्कूलों में डिमांड्स, वो डिमांड्स के तौर पे मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, जोश और जज्बा सब खत्म, वो खत्म। चल, बहुत शुक्रिया। आप कितने सालों से स्टॉल लगा रहे हैं? माशाल्लाह 6-7 सालों से स्टॉल लगा रहे हैं। 6-7 साल हो गए। पिछले के मुकाबले में अभी क्या फर्क आया है चीजों में, लोगों में, क्या क्या फर्क क्या आपने महसूस किया? बहुत फर्क आया, बहुत रेटों में तो इतना फर्क आया कि कस्टमर 1-70 वाली चीज के भी 20 रुपए बोल रहा है, 50-50 रुपए कम करा रहा है कस्टमर, ना माल बिक रहा है ना कुछ है, बस ऐसा रश का बताओ आज, क्योंकि 13 की रात है, ऐसे ही चल रहा है, ठंडा चल रहा है मामला। आपको पिछली 14 अगस्त और इस 14 अगस्त में क्या फर्क दिखाई दे रहा है वहाँ से? पिछली 14 अगस्त में और इसमें पहले थोड़ा अच्छा था माहौल और हाँ, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो तब जो है जो जोश दिखता था, जो हम झंडियाँ वगैरह झंडे वगैरह लगाया करते थे, क्या आज के बच्चों में वो सब है? नहीं है तो नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में तो है। बच्चों ने घर भर सजाया है? सजाया। चले, बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। मेरे कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? इनको शौक है, सबसे ज्यादा इनको शौक है। हाँ भाई, घर भर सजाया आपने? अच्छा, हाँ, झंडे वगैरह। अभी क्या लेने आए हो यहाँ पे? कपड़े लेने आए हो? चलो भाई, अच्छे से मिले कपड़े? अभी ले रहे हैं। अच्छा, वैसे इस महंगाई को देखते हुए दिल करता है बच्चों को कपड़े दिलाने का? मतलब ये एक रस्मी तौर पे अदा की जा रही है या वाकई में जोश वगैरह है, जज्बा वगैरह है? मतलब बच्चों के प्रेशर में घर से निकलना ही पड़ा, वरना निकल नहीं रहते इतने टाइम से। बस ऐसा ही है। चले, बहुत शुक्रिया भाई। ये बताओ कि मजा आ रहा है 13 अगस्त की रात? हाँ माशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है, बड़ी रौनक हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ, अबे साले ये किसने इन्वेंट किया है ये बताओ पहले, ये किसने इन्वेंट किया पता है? अच्छा, आवाम की वैसे अमूमन इतनी बचती है, 14 अगस्त पे सिर्फ बाजे बजते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ये महंगाई वगैरह को देख के क्या दिल विल करता है 14 अगस्त मनाने का भी? नहीं यार, महंगाई तो है लेकिन ये हमारा बस, मतलब दिल से मना रहे हो या बस मनाना पड़ता है? भाई ये भाई, अरे नहीं नहीं बताओ, अभी बजा के तो दिखाओ, अरे बजा के तो दिखाओ, तुम बजा के तो दिखाओ, अबे तुम कहाँ भाग रहे हो? चल अबे भाई, ये कौन लेके आया है बाजा? ये उस्ताद लेके आया हमारे, ये उस्ताद। चलो वो ले आया, तुम बजा क्यों रहे हो? हम बजाने के लिए यहाँ बैठे हैं, बजा के आवाम को दिखाना है। हुकूमत कम बजाई भी है, तुम भी बजा रहे हो? हम भी बजाएंगे सबोगी, तुम भी सबोगी जी। बताइए कि हालात को देखते हुए 14 अगस्त मनाने का अब दिल करता है? यार दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करे, बच्चों से मजबूर है। अच्छा मुझे बताएं, महंगाई है, इसमें बंदा जो ना क्या 14 अगस्त मनाएगा। अच्छा, ये जो रौनकें पहले 14 अगस्त की हुआ करती थी वो अब दिखती हैं आपको कहीं पे? वैसे तो नहीं है, बड़ों के तो दिल से पूछो तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर निकलना पड़ता है, निकलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ये बताएं कि 14 अगस्त इस बार दिल से मना रहे हैं या नहीं? बस सर, क्या दिल से क्या, बस इवेंट है, बस मनाना तो है, मतलब इवेंट है, वो जज्बा, वो जोश, वो कुछ भी नहीं है बाकी, अभी कुछ भी नहीं है बाकी, कुछ नहीं है, इतनी हो गई है, क्या करें। की झंडियां वगैरह ये सारी चीजें नहीं दिखती, अभी बाजे ज्यादा दिखते हैं, ऐसा क्यों है यार? ये बच्चों का अपना अपना शौक है। नहीं, मुझे तो लगता है पूरे साल जो है हुकूमत बजाती है, 14 अगस्त दिन वाले दिन बच्चे बजाते हैं। समीर भाई जो है ये देखे भाई, ये हर साल होता है, कैप्टन असद के नाम से, असद के नाम से होता है, और ये लांडी गोरंगी के मशहूर है मुबीन भाई, मुशरफ भाई यहाँ पे, और ये फ्री में बनाते हो आप लोगों के? जी जी जी। अच्छा क्या बात है भाई, भाई आजकल के दौर में जहाँ हर बंदा परेशान है वहाँ फ्री में लोगों को, पाकिस्तान से परेशान नहीं, हम पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनसे परेशान है, उनसे परेशान है बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, कौन आए पाकिस्तान में? कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए, क्लियर बात बोलेंगे हम, जो कहते हैं ना लोग जिसको कहते हैं ये बुरा है, वो बुरा अच्छा लगता है हमें,
तो मुझे अच्छा लगता है। दूर दूर तक ऐसा बंदा दिखता है आपको? हाँ दिखता है, लेकिन उसको बहुत ही लगाई भी। हाँ हाँ क्या बात है, नहीं सकता मैं। हाँ सही है सही है, मेरे भी आपको पता है। हाँ घर में गाड़ी गाड़ी वाड़ी आ जाएगी। हाँ सर ये कोशिश करेंगे, होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बड़ी कुर्बानियों से मना है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग हर सियासतदान के पास लाखों रुपया गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसा ही, बहुत शुक्रिया। अरबों रुपया है, अरबों है, बस ज्यादा है। ये देखे भाई, ये फजील भाई, हमारे फजील भाई का स्वाद लगता है। आपका भी ऐसा लगता है? हाँ लगता है, नहीं लगता लगता है। अच्छा ये बताओ कि पकड़ो, ये तो पकड़ो, पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या फर्क है? लोगों का रश वश बताओ, कुछ बताओ। लोगों का रश कम है, पिछली बार के मुकाबले में काफी कम है। तो पिछले साल वाली चीजें इस साल जो महंगी हो गई, और आपके पास पिछले साल वाली कुछ रखी हुई थी, आपने भी रेट बढ़ाए होंगे? बिल्कुल बढ़ाए बढ़ाए ना बिल्कुल बढ़ाए। चलो बस यही मालूम करना था, शुक्रिया।